नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल में सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ खुलकर भारत के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने बड़े ही तलाक अंदाज में पीएम केपी शर्मा ओली पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। नारायण काजी श्रेष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रवक्ता और केंद्रीय सचिवालय के सदस्य है, इसलिए उनके बयान की गंभीरता को समझा जा सकता है। नारायण काजी ने कहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के विरुद्ध टिप्पणी करके अपने राजनीतिक करियर की भारी भूल की है। उन्होंने सीधे सीधे भारत को ललकारा है, यह जानते हुए भी कि भारत के बिना नेपाल का वजूद नहीं है। ओली ने सीमा के मुद्दे को भी बातचीत की बजाय धौंस पट्टी से उठाने की कोशिश की, जिसके गंभीर नतीजे ओली की बजाय नेपाल की जनता को भुगतने पड़ सकते हैं। यानी नारायण काजी यह मान रहे हैं कि वक्त पर भारतीय हिमालय गणराज्य पर कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत नेपाल को लेकर किस तरह के कदम उठा सकता है। उनका कहना है कि भारत इस वक्त चीन के साथ उलझा है, यह वक्त है जब भारत मित्र शत्रु देशों की पहचान कर सकता है। ऐसे में ओली ने सार्वजनिक तौर पर नेपाल को भारत का दुश्मन पड़ोसी देश का तमगा सौंप दिया है, जिसका खामियाजा उठा पाना नेपाल जैसे गरीब देश के बूते की बात नहीं है। नेपाल के हिमालयन टीवी को दिए गए साक्षात्कार में नारायण काजी ने कहा कि ओली ने अपने प्रधानमंत्री रहते 3 गंभीर गलती की है। उनकी पहली गलती भारत के प्रतीक सत्यमेव जयते के बारे में चिढ़ाने वाले अंदाज में टिप्पणी किया जाना था। दूसरी गलती अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत पर निराधार आरोप लगाना था। ओली की तीसरी गलती भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल में बीरगंज के समीप होने का दावा करना था। ओली की इस गैर कूटनीतिक बयानबाजी ने भारत और नेपाल के संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया है। ओली तो चलते बनेंगे, मगर नेपाल में आने वाली नई सरकार के लिए इन रिश्तों को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बन जाएगी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई को 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक महत्व की सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। यह सड़क उत्तराखंड में धारचूला के साथ लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। इसके बाद ही सड़क पर कभी सवाल नहीं उठाने वाला नेपाल अचानक से आक्रामक हो गया था। ओली ने इस इलाके पर नेपाल का दावा भी ठोक दिया था। बाद में ओली ने नेपाल का नक्शा फिर से तैयार करने संबंधी विधेयक को मंजूरी भी प्रदान कर दी, जिसमें लिपुलेख पहाड़ी दर्रा, कालापानी और लिम्पुद्रा इलाके को नेपाली क्षेत्र के रूप में सीमांकन करने की बात कही गई। नारायण काजी की माने तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नीतियां पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की वजह से पार्टी भी नेपाल में कमजोर हुई है। पीएम ओली निरंतर भारत विरोधी बयान देकर पार्टी को दुविधा में डाल चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, वे भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि नारायण काजी नेपाल के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। नेपाल में उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। अगर उन्होंने नेपाल के पीएम केपी शर्मा पर सवाल उठाए हैं तो यह बात दूर तक जाएगी। नारायण काजी पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जो ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता द्वारा यह खुलासा भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत है, पर मामला अभी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। नारायण काजी ने कहा कि ओली ने जितने भी भारत विरोधी कार्य किए हैं या विवादित मुद्दों को जीवित किया है, उनमें सरकार या पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। ओली बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय के बिना अनुमति के तमाम कदम खुद आगे बढ़ाते गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, इसकी हकीकत नेपाल और भारत दोनों को पता है। नारायण काजी ने खुलासा किया है कि ओली की वजह से भारत का नेतृत्व बेहद गुस्से में है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी केवल औपचारिकता भर रह गए हैं। उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया कि पिछले 85 दिनों से भारत ने नेपाल से कोई बात तक नहीं की है। नेपाल का विदेश मंत्रालय भारत से कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर चुका है, मगर भारत में मौजूद मोदी सरकार बेहद ही क्षुब्ध है। अब भारत किसी भी बातचीत के मूड में नहीं है। नेपाल के बार बार संपर्क करने के बाद भी उन्हें निराशा ही आत लगी है। उन्होंने कहा है कि भारत के इस गुस्से को देखते हुए समझ सकते हैं कि नेपाल के पीएम ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने निजी स्वार्थ के कारण पूरे नेपाल को भारत का दुश्मन बना दिया है। अब अगर ओली यह समझते हैं कि वे भारत से पंगा लेकर नेपाल की राजनीति में टिक पाएंगे, तो यह उनकी बड़ी भूल साबित होगी। नेपाल में भारत के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, जिसमें आम नागरिकों से लेकर राजनेता, उद्योगपति और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है। सरकार में इस तबके की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
मगर ओली चंद स्वार्थ की खातिर भारत जैसे विशाल देश से टक्कर ले गई, जिसकी भरपाई वह खुद तो क्या आने वाले प्रधानमंत्री भी बामुश्किल कर पाएंगे। आपको बता दें कि नारायण काजी श्रेष्ठ का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री की दौड़ में भी शामिल रहा है। उन्हें भविष्य के नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। पुष्पकमल दहल प्रचंड के बाद नारायण काजी का नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल था, मगर केपी शर्मा ओली बड़ी चतुराई से सबको पछाड़ते हुए मार्च 2019 में नेपाल के पीएम बन गए। बताया जाता है कि उन्होंने इसके लिए सामदाम दंड भेद के हरतकंडे को अपनाया था। इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ओली ने भारत के साथ विवाद के जो बीज रोपित किए हैं, अब उसको लेकर नेपाल को भारत के एक्शन का डर भी सताने लगा है। खासतौर से मोदी सरकार द्वारा मलेशिया और तुर्की को सिखाया गया सबक नेपाल को भली भांति स्मरण है। मलेशिया में तो महातिर मोहम्मद का राजनीतिक कैरियर ही चौपट हो चुका है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ नेक्सस बनाने की भारी भूल की थी, जबकि एर्दोगन आज अपनी ही सत्ता पर पकड़ खोते जा रहे हैं। भारत से तुर्की के संबंध निचले स्तर पर आ चुके हैं। यह दोनों मुल्क नेपाल के मुकाबले काफी संपन्न थे। अगर ऐसे में भारत ने कोई बड़ा कदम उठा दिया तो यह नेपाल के लिए बहुत ही खौफनाक साबित होगा। जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि भारत इसकी शुरुआत भी कर चुका है। नेपाल में दैनिक जरूरतों के बड़े दाम साफ संकेत है कि भारत ने नेपाल की फिक्र करना छोड़ दिया है। या नमक जैसी वस्तु ही 100 नेपाली रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दाल, खाद तेल, चीनी और मसालों के ऊंचे दाम आम आदमी की चीखें निकाल रहे हैं। मगर बावजूद इसके केपी ओली एंकर में चूर जनता की परेशानी से आंखें मूंद चुके हैं। सही मायनों में देखा जाए तो ओली को खुली छूट देकर भारत उसके साथ कोई खेल ही खेलता नजर आता है। यह देखा जा रहा है कि चीनी धोती छाप कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, यानी ओली की हालत हलाल होने वाले बकरे जैसी कर दी गई है, जो आखिरी वक्त आने से पहले उछल कूद दिखा लेना चाहता है। ओली खुद भी भारत को कई बार फोन कर चुके हैं, मगर उनका फोन नई दिल्ली ने रिसीव ही नहीं किया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मोदी सरकार ओली या उसकी सरकार को कोई महत्व नहीं दे रही है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो गरीब देश सदैव भीख के लिए ही मीठी बातें करते हैं। इसमें नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश कोई भी हो, यह देश मतलब परस्त मुल्क में आते हैं। यह देश क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की आड़ में मजबूत देशों के पाले में इधर उधर जाकर कर्जोर भीख की नीति अपनाते रहे हैं। यह इन देशों का पुराना हथकंडा है। जब तक भारत से ने कर्ज या मदद मिलती रही है, यह भारत के गुण गाते रहे हैं। आज चीन ने टुकड़ा बड़ा कर दिया तो यह उसके पाले में चले जाएंगे। कल भारत बड़ी रोटी दिखाएगा तो ये कुकुर की तरह दुम दबा कर पाला बदल देंगे। इन देशों की इससे ज्यादा अहमियत नहीं होती है। नेपाल की हालत भी उसी ललचाऊ कुकुर वाली जैसी है। नारायण काजी श्रेष्ठ द्वारा अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पर आरोप इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओली चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए नेपाल में भी उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। जो ओली कल तक भारत पर सरकार गिराने के आरोप लगा रहे थे, अब वे अपने ही घर में घिर चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।